कि हम खुदा की हजूरी में आ सके हैं। मैं दो दिन के लिए नहीं आ पाया, तो शायद अच्छा लगा होगा कि आज नहीं है, उसका कुछ सुनना वुनना नहीं पड़ेगा। जल्दी से आए, इबादत ख़त्म की और चले गए, ऐसा ही था है? खुदा की मर्जी पूरी होती है। दो दिन आपको आराम मिला है, आज आराम नहीं लेने दूंगा फिर से, और फिर से आपको झंझोड़ने की कोशिश करूंगा और खुदा की बहुत सारी बातों में ले जाऊंगा आज फिर से, जो मेरा काम है। सुबह सुबह के वक्त आज के दिन, आज वीरवार है, बताना चाहता हूँ, और इस वीरवार को हम लोग होली थर्सडे कहते हैं। और आज का दिन जो है वो मसीहा की ज़िंदगी का ह्यूमन लाइफ के अंदर आखिरी दिन, याद रखिए। आज आदमियों की तरह, इंसानों की तरह जो मसीहा ने अपनी ज़िंदगी इस दुनिया में बिताई, तो आज का दिन उसका आखिरी दिन है। कल सुबह तड़के वो सलीब पे चढ़ा दिया जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले आज के दिन क्या हुआ था वो मैं जिक्र करने जा रहा हूँ कि होली थर्सडे, इसको माउंडी थर्सडे भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट डे भी कहा जाता है। जन्मदिन तो सबके होते रहते हैं, और जन्मदिन मरने के बाद फिर से जी उठना, ये आज तक किसी की जिंदगी में नहीं आया। हम लोग ज़्यादा क्रिसमस पर ध्यान देते हैं, ईस्टर पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये जो दिन है वो जन्मदिन से भी ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि जन्म तो सबने लिए लेकिन मरने के बाद कोई जी नहीं उठा। याद रखिएगा, वो सिर्फ और सिर्फ मसीहा है जिसने कब्रों के बंधन तोड़ करके और फिर से अपने आप को ताकयामत जिंदा हुआ और आसमान पर फिर से उठा दिया। तो आज का दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, और वो इस आखिरी दिन में अपने लोगों से बहुत सारी बातें करना चाहता है, बहुत कुछ कहना चाहता है, अपने दिल के ख्याल वो आप लोगों से कहना चाहता है, आप लोगों के दिल की बातों को अपने लिए और अपनी बातें आपके लिए आपको सुनाना चाहता है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि आज क्या हो रहा है। तकरीबन यही समय होगा, वो अपने चेलों के साथ चल रहा है, और चलते चलते उसने अपने चेलों से कहा, सुनो वो सामने के गांव में जाओ, और उस गांव में जाते ही तुम्हें एक आदमी मिलेगा जिसने अपने सर पर पानी का घड़ा उठाया हुआ। ध्यान से सुनिए, उसके पीछे पीछे हो लेना, और जिस घर में वो जाए उस घर में चले जाना, और जा करके उस घर के मालिक से कहना कि हमें वो जगह बता दे कि जहां हमारा गुरु आज पहुनशाला में रहेगा। प्लानिंग देख लीजिए, वो तुम्हें एक बहुत बड़ी सजी सजाई अटारी दिखा देगा, ऊंचे पर बनी हुई अटारी दिखा देगा, खूबसूरत अटारी दिखा देगा, और वहां पर जाकर के मैं तुमसे बहुत सारी बातें करूंगा। ये आज का दिन, लूका 22 उसकी 10 आई, जरा पढ़ देंगे। उसने उनसे कहा, देखो नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा जी। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना। ठीक है, अब आपको याद आ गया कि मैंने जो कहा है वो बाइबल से कहा कि सामने के घर में चले जाना, उसके पीछे चले जाना, और उससे कहना, 12वीं आयत है, वो तुम्हें एक बड़ी सजी सजाई अटारी दिखा देगा, और वहीं पर आज की फसा जो है, आज का दिन जो है, आज की बातें जो हैं, वो मैं आपके साथ करूंगा। 12वीं आयत, वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी
सरकारी दिखा देगा। वो तुम्हें सजी सजाई बनी बनाई खूबसूरत सजावट के साथ तुम्हें दिखा देगा और वहाँ पर मेरी और आपकी बातें जो हैं वो होंगी। आज आखिरी दिन है, वो उनसे बहुत सारी बातें करना चाहता है। अब उस सजी सजाई अटारी के अंदर जो महफिल लग रही है चेलों के साथ और क्या बातचीत हो रही है वो मैं आपके साथ आज करना चाहता हूँ। वो सजी सजाई अटारी में चले गए। आज संसारिक जीवन का, ह्यूमन लाइफ का आज उसका आखिरी दिन है। वो आखिरी दिन में आपसे बहुत सारी बातें कहना चाहता है, करना चाहता है और आप लोगों को एक यादगारी देना चाहता है कि मेरी याद में मैंने आपके साथ 33 साल बिता दिए, 33.5 साल बिता दिए। तुम मेरे चेले रहे, मेरे साथ चलते रहे, मेरी परीक्षाओं में मेरे साथ रहे, मेरी मोहब्बतों में मेरे साथ रहे, मेरे बुरे दिनों में मेरे साथ रहे, दिन रहे, शाम रहे, रात रहे। मैं तुम्हें एक यादगारी दे करके जाऊंगा और उस यादगारी को तुम ऐसे ही करते रहना जब तक मैं दोबारा ना आ जाऊं। उसने अपनी चाहत का बयान, चेले बैठ गए सारे, अटारी लगी हुई है और उत्सुकता से उसकी तरफ देख रहे हैं कि वो आज हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। वहां पर मसीहा ने अपनी चाहत का बयान किया और कहा, मुझे बड़ी लालसा थी, मेरी बहुत बड़ी तमन्ना थी कि मैं आखिरी दिन जो है वो तुम लोगों के साथ बिताऊं, तुम लोगों से दिल की बातें कहूं। उसे पता है कि मेरे साथ अब क्या होने वाला है, तो वो दिल खोल करके अपनी बातें उनसे कहना चाहता है। मेरे बहुत बड़ी लालसा थी, मेरी बहुत बड़ी तमन्ना थी तुमसे बातें करूं, तुम्हें अपने दुख के बारे में बताऊं, अपनी तकलीफ के बारे में बताऊं, अपने दुखों का इजहार करूं। उसने फिर से अपने आप को टीम किया, नीमा हो गया। उस अटारी में क्या क्या हो रहा है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात, उसने अपनी दिल की बातें उनसे कही, पहली बात। दूसरी बात, उसने अपने दुखों का इजहार उस अटारी में किया। तीसरी बात, उसने उन्हें बयान किया कि अब आगे क्या होने वाला है। तीसरी चौथी बात, उसने उनसे एक यादगारी उनको दी और कहा कि मेरी यादगारी में ऐसा ही करते रहना। पांचवी बात, उसने अपने आप को फिर से जीन कर लिया। छठवीं बात, उसने फिर से अपने आप को दरिद्र कर लिया। और सातवीं बात, उसने फिर से अपने आप को नीवा कर लिया। उस अटारी में वो नीचे बैठ गया, अपने चेलों को ऊंची जगह पर बिठाया और उनके पांव धोने लगा। अपने आप को नीवा कर लिया, अपने आप को नीचा किया और उनके पांव धोने लगा। देखिए, आखिरी दिन है और आखिरी दिन में उसने ये 7 बातें जो है ना वो आपके सामने कर दी हैं और उनसे कहा, यूहन्ना 13:5, जल्दी से मिलेगा तो नोट करिए। वो अपने चेलों के पांव धोने लगा और अपने अंगोछे से उनके पैरों को पोंछने लगा। आज की दुनिया में ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। आजकल तो कोई हाथ किसी के नहीं धुलाता, वो भी कहता वो टूटी लगी है, सामने वो नलका लगा था। उसने पांव धोए हैं, अपने आप को नीवा किया है। वो एक सबक दे रहा है, एक शिक्षा दे रहा है। उसने कहा, तुमने देखा मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, तुमने देखा मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। जो बड़ा होना चाहता है ना वो छोटा हो जाए, नीमा हो जाए, तब तुम ऊंचे पर उठा लिए जाओगे, ऐसा लिखा जी। तब बर्तन में पानी भरकर जेलों के पांव धोने और जिस अंगोशे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा और उसी से वो उनके पांव पोंछने लगा। आज की जिंदगी में बच्चों ऐसा बंदा, ऐसा इंसान, ऐसा देवता मैं नहीं देख सकता, ऐसा देवता नहीं मिलना। और उसने कहा कि नई वाचा का लहू
जो मैं तुम्हारे लिए आज बहाने जाता हूँ वो भक्तों के गुनाहों की माफी के लिए होगा। नकी 26 है उसकी 28 आयत बयान कर रही है, जो लोग नोट कर रहे हैं वो नोट करें, क्योंकि नई वाचा का मेरा ये लहू जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा ये बहुत सारे लोगों के गुनाहों की माफी के लिए होगा। आप अच्छी जिंदगी जिए, आप बहुतायत की जिंदगी जिए, आपके पास संसार की हर एक चीज आपके हाथों में हो, सारी सुख संपदा आपके हाथों में हो, ऐसी जिंदगी देना चाहता है, इसलिए उसने अपना पाप और पवित्र लहू जो है ना वो बहाया है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, वो अभी भी आपसे कहता है जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो और दुआ करते रहो कि तुम लोग परीक्षा में ना पड़ जाना, कोई दुख तुम्हारे नजदीक ना आ जाए, कोई तकलीफ तुम्हारे नजदीक ना आ जाए, इसलिए दुआ में लगे रहो, दुआ करते रहो, दुआ करते रहो, दुआ करते रहो, जागते रहो और दुआ करते रहो। आज के मैसेज का ये एक शिक्षा है आज की, दुआ करते रहो। उसने अपने चेलों से कहा तुम यही ठहरो, मैं अपने बाप से दुआ करने जाता हूँ और जागते रहे। वो दुआ करने के लिए गया, जब वो वापस आया तो चेले सो रहे, दे वर स्लीपिंग। उसने फिर से कहा जागते रहो, बी अलर्ट, जागते रहो। वो फिर दुआ के लिए गया, फिर जब वापस आया, ऐसा 3 बार हुआ और आखिरकार उसे ये कहना पड़ा अब सोते रहो, नाउ कंटिन्यू स्लीपिंग, द टाइम हैज कम। वो देखो, वो मुझे पकड़वाने वाला जो बंदा है वो मेरे नजदीक आ चुका है, अब तुम्हारी जरूरत नहीं, अब सोते रहो, अब दुआ की जरूरत नहीं। तुम सो रहे थे ना, मैंने तुम्हें 3 बार जगाया है कि जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, और तुम सोते रहे, सोते रहे और सोते रहे। इसलिए आज का कलाम, आज का ये वीरवार का मैसेज है, वो पहली बात आपसे कहता है कि आज फिर से उसकी आवाज गूंजती है, जागते रहो और दुआ करते रहो। तो पाक और पवित्र कलाम है खुदा का, मत्ती 26 है उसकी 41वीं आयत ध्यान कर रही है, बड़ी जरूरी आयत है कि जागते रहो, सचेत रहो, ताकि शैतान की कोई बातचीत तुम्हारे नजदीक ना आ सके। इसलिए जागते रहो और दुआ करते 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 रहो। पढ़िए जी गाने का, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो, दुआ करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। और केले केले सोते रहे, अब सोते रहो। मत्ती 26 की 45 पढ़ दीजिए, अब सोते रहो। कहीं खुदा मेरे लिए आपके लिए ऐसा ना कहते अब सोता रह तू। हमने खुदा की बातों पर आज ध्यान देना है, आज इसका आखिरी दिन है, टुडे इज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, और वो आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता है, दिल खोल करके आपको अपना हाले दिल सुनाना चाहता है, तुम्हें एक यादगारी देना चाहता है। 26:45 तब उसने जेलों के पास आकर उनसे कहा अब सोते रहो और विश्राम करो। अब सोते रहो, अब विश्राम करो। वो देखो, वो पकड़वाने वाला, मेरा पकड़वाने वाला नजदीक आ गया है, अब उसे कोई नहीं रोक पाएगा, अब जो वो चाहता है वैसा ही होगा। और खुदा का बेटा जिसे तुम मसीहा कहते हो वो पकड़वा दिया जाएगा। क्योंकि ऐसे लिखा है, पढ़िए, देखो घड़ी आ पहुंची है। वो घड़ी आ गई है, वो समय आ गया है, वो द टाइम हैज कम, द पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स मी। चलिए पढ़िए, और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। पापियों के हाथ में पकड़वाया जाता है। मैं तुम्हें एक नई यादगारी दे करके जाना चाहता हूँ, और तुम उसे हमेशा के लिए मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करना। आज मंडी थर्सडे है, ग्रेटेस्ट डे है, पाप और पवित्र वीरवार का दिन है, होली वीक का ये सबसे बेहतरीन आज का दिन है। आज
उस अटारी में, सजी सजाई अटारी में आज का दिन वो बिताना चाहता है, आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता है। आज सुबह से लेकर शाम तक वो उस अटारी में रहेगा, आपको उस अटारी में जाना होगा, आपको उस अटारी की तरफ देखना होगा, आपको उस अटारी की तरफ अपनी नजरें उठा करके उससे कहना होगा, मसीहा आज तेरा आखिरी दिन है, तू बहुत सारी बातें मेरे साथ करना चाहता है, तू बहुत कुछ मुझसे कहना चाहता है, मुझसे बातचीत कर ले, मैं तेरे चरणों में आना चाहता हूँ, मुझे धो दे। उसने अपने चेलों के पांव धोए और अपने आप को नीवा किया। मैं चाहता हूँ कि वो आपको धो दे, सिर से लेकर पांव तक आपको पाक और पवित्र करे। लोगों ने कहा तो तू मुझे सर से पांव तक धो दे। पतरस ने कहा तो मेरे पैर नहीं धो सकता। जब उसे समझ में आया कि क्या हो रहा है, उस अटारी में क्या हो रहा है, उस सजी सजाई अटारी में क्या हो रहा है, आज मैंने आपसे बयान किया है कि उस अटारी में क्या क्या हुआ है वो मैंने आज आपसे बयान किया है। आज वीरवार का दिन है और वीरवार के दिन आज आपको एक नई आज्ञा मिलने वाली है। यूहन्ना 13:34 निकाल लीजिए जी। मैं तुम्हें आज के दिन इस अटारी से एक नई आज्ञा देता हूँ, एक नया हुक्म जो है वो मैं तुम्हें देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैंने तुमसे की वैसे ही तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। आज उसकी आखिरी कमांड है आपके लिए, एक विशेष आज्ञा है आपके लिए, एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम फिर वही घोड़ी आ गई, हुक्म हो गया, हमारा फर्ज बनता है कि उसके हुक्म को माने। यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तब लोग जानेंगे कि तुम इस अटारी में बैठे हुए मेरे पाक और पवित्र चेले हो। पढ़िए जी, कहा लिखा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इसी से तुम जाने जाओगे कि तुम इस अटारी में, इस खूबसूरत अटारी में बैठे हुए मेरे चेले हो। खुदा ने आपको एथेन के नाम से एक बहुत अच्छी और खूबसूरत और सजी सजाई अटारी दी हुई है, याद रखिएगा, और हम सब उस अटारी में शामिल हैं। सामने के गांव में चले जाना, एक बंदा तुम्हें सेक्टर पानी का घड़ा उठाए हुए मिलेगा। जिस घर में चले जाओ ना, उस घर के मालिक से कह देना कि वो अटारी कहाँ है जिसे खुदा के बेटे मसीहा ने आज का दिन बिताना है। वो तुम्हें सजी सजाई, सुवारी हुई, डेकोरेट की हुई, साजो सामान से सजी हुई अटारी दे देगा। बच्चों, माय डियर फ्रेंड, आज हम उस अटारी में बैठे हुए लोग हैं और खुदा हमारे साथ बातचीत कर रहा है। आज इस मौली फैसले का यही मैसेज है कि प्यार और मोहब्बत से उस अटारी में बने रहो, उस अटारी की सजावट को बरकरार रखो, उस अटारी की पवित्रता को बरकरार रखो। आज का यही मैसेज है। इससे बाद का जो मैसेज होने वाला है वो आज आपको शाम को चैपल में मिलेगा। इसी चीज़ों के साथ मैं आज अपनी इस डिवोशन को पूरा कर देता हूँ। फिर आप सबको बहुत बड़ी बरकत दें, आपको आशीष दें। अपने हाथों को जोड़ लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लें, दिल से, ईमान से अपने आप को उस अटारी का हिस्सा बना लें। आप अपने दिमाग में विचार कर लें, एक मनन करें कि इस समय आप उस सजी सजाई अटारी का हिस्सा हो, और अपने मन में खुदा से कहिए, अपने दिल की बातें खुदा से कह दीजिए, खुदाया तेरा धन्यवाद है, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे उस अटारी में आने का मौका दिया। मैं तेरी मेज के चारों तरफ बैठे हुए उन शागिर्दों में शामिल हूँ जो तेरे सामने तेरी मेज से गिरे हुए टुकड़े उठाने के लिए अपने हाथ उठाता हूँ। खुदाया अपने रहम में
अपने कर्म में। इस अकारी पर तेरी बहुत बड़ी बरकत हो जाए, तेरा बहुत बड़ा रहम हो जाए, और इसी तरह इस अकारी में हम रोज बैठ सकें, रोज तेरी बातें सुन सकें, तेरे कलाम में पढ़ने वाले बन जाएं। उसी नसीहा के नाम से जिसने आज उस अकारी में बैठ करके आपसे दिल खोल करके बातें की हैं और हमें यूं मांगना सिखाया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो, हमारे रोज के रोजगार में बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें बादशाही का नाम पढ़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन आमीन। अपने हाथों को उठा दीजिए। आज उस अठारी में बैठे हुए मसीहा से बरकतें पाने के लिए, उस यादगारी को पाने के लिए कि जब तक मैं दोबारा ना आ जाऊं तुम ऐसे ही करते रहना, तुम ऐसे ही इकट्ठे होते रहना, तुम ऐसे ही मेरी बातों में बने रहना। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शिराकत आप सबके साथ, कुल कायनात के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, हमारी इस अटारी के साथ, उठे हुए हाथों के साथ, अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। जोर से बोलिए आमीन आमीन। शाबाश, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हालेलुया का नारा लगाएंगे। हालेलुया हालेलुया।